छत्तीसगढ़ से सरायपाली विधानसभा को लेकर एक और जहां पर दोनों ही पार्टियां अपना जोर आजमा रही हैं, वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपनी टिकट को लेकर भागदौड़ कर रही हैं। ऐसे समय में भाजपा ने अपने किस भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें सरायपाली विधानसभा से डॉक्टर सरला कोसरिया को विधानसभा के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। इस दौरान डॉक्टर सरायपाली ने बताया कि पार्टी संगठन से जो दायित्व मिलता है उसे पूरा करना सबकी जिम्मेदारी होती है और वर्तमान में सरायपाली विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए पार्टी और संगठन को धन्यवाद देता हूं। और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस शासन पर भी निशाना साधा। धन्यवाद प्रदेश की टीम, केंद्रीय टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में सरायपाली विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, मेरे बंधु और बहनें और साथ में यहाँ के नागरिकों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक उम्मीदवार के लायक उन्होंने चयन करके ऊपर तक भेजा है नाम सूची में। पार्टी के संगठन है, अंत्योदय का काम करना है और पार्टी जो दायित्व देती है उसके आधार भी है कि हम अंत्योदय का कार्य पूरे जनता के बीच जाकर सही कार्य करें और इसके लिए एक नए दायित्व मिला है। इस दायित्व के लिए मुझे चुना गया तो मुझे खुशी हो रही है और सभी अपने संगठन की टीम के साथ दायित्व का निर्वहन भी बहुत।